मेरा नाम है त्रिमन कौर और आज हम करने वाले हैं अपना लेसन नंबर 7 लूप्स में, जिसका नेम है लूप्स विद लेया राम। वो किसी का नेम है तो हम अपनी वीडियो नंबर 1 में जाते हैं, क्योंकि इसकी शेप वैसी है ना इसी के लिए। और ये उन्होंने बताया कि उसे कैसे कलेक्ट करते हैं, ये आप ओपन करके खुद देख लेना। और लेरा इसका नेम है और इसने ये सारे के सारे पता नहीं डायमंड से इसे कलेक्ट करना है। तो हम अपना पजल स्टार्ट करते हैं, पजल नंबर 2। क्रॉस करते हैं मिनी पन्ना। तब इन्होंने क्या बोला, फ्री प्ले मूव लेरा। Free play. Move Laurel around and get as much treasure as you can. Get at least one item with no mistakes to pass this level. Drag blocks into the workspace and try to figure out how to get treasure. अगर आपको इसे तोड़ कर पढ़ना तो आपको पता है कि इसको यहाँ पर क्लिक करना तो आप इसे खुद देख लेना। तो इसने ऐसा नहीं कि सीधा इसके ऊपर इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ पर पहुँच गया तो इसका फ्री, ऐसा नहीं है। इसने अब हमने रिपीट लूप को भी यूज़ करना, साथ साथ में जो ये डायमंड्स है उसे भी कलेक्ट करना है। तो पहले हम लेंगे रिपीट लूप। उसने कितनी टाइम्स ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो इसके लिए पहले हम ईस्ट लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। वो 5 टाइम ईस्ट डायरेक्शन में जाएगी और साथ में उसने गेट डायमंड करना है। पता कैसे कि जैसे उसने रिपीट क्या करना है कि पहले ईट फिर से कलेक्ट किया, फिर से ईट फिर से कलेक्ट किया, फिर से ईट फिर से कलेक्ट किया, ऐसे ऐसे करके उसने ये चीज़ 5 टाइम करनी है, जैसे वो अपने जो एक रो के सारे डायमंड कलेक्ट कर लेगी। और उसके बाद अब ये यहाँ पर पहुँच गई, एक बार हम स्टेप करके देखते हैं। ये हो गया हमारे 4, 5। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ ग्रेट वर्क, यू कलेक्ट 5 आइटम्स। हमने 5 आइटम्स कलेक्ट कर दी, हमने ये बाकी ये भी कलेक्ट करने। तो अब इसका फेस कहाँ पर था, इसके अपनी ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर लगाएंगे पहले साउथ। आप चाहें तो इसे पूरा पीछे से लेकर फिर नीचे से लगा सकते हैं, लेकिन हमने इतनी लंबी कोडिंग नहीं करनी है। तो साउथ में यहाँ पर पहुँच के फिर से उसने करना है गेट टाइम, बताएं क्या इसका नेम भूल जाता है। तो उसने अभी क्या करना है, क्योंकि हमने पहले इसके लगाया, क्योंकि पहले तो उसने अगर हम यहाँ पर 2 बार साउथ लगा देंगे, एक बार यहाँ पर फिर से यहाँ पर, हाँ लगे रुकेंगे, एक बार यहाँ पर पहुँच गई फिर से यहाँ पर, तो फिर उसने गेट कलेक्ट करना है और बाद में उसने वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, साथ में उसने कलेक्ट करना है, फिर से कलेक्ट, फिर से वेस्ट, फिर से कलेक्ट, फिर से वेस्ट। तो ऐसे वो अपनी जो सेकंड रो के सारे डायमंड्स भी कलेक्ट कर लेगी। तो ऐसे करना है साउथ साउथ कलेक्ट वेस्ट। इसने यहाँ पर कलेक्ट कर दिया, फिर से वेस्ट में जाना गेट गेट गेट। और ये अब कितनी टाइम करना, क्योंकि हमने तो उससे पहले एक बार करा दिया, तो मतलब कि अब ये हमारा काम 4 टाइम होगा। तो एक बार हम इसे फिर से स्टेप करके देखते हैं, यहाँ तक हमारा सही है, क्योंकि अब ये इतना इजी वाला नहीं है। ये बता रहे हैं कि हमने अभी कितने जो कलेक्ट है वो हम कितने कलेक्ट कर चुके हैं, अभी डाइन कितने कलेक्ट कर चुके हैं। हाँ अब हमारा यहाँ तक सही है। अब उसने कहाँ पर जाना है, अब इसका फेस था अपनी वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर, तो उसने जाना फिर से साउथ में, फिर से साउथ में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि हम इसे रिपीट में डाल देंगे, हाँ ऐसे होगा फिर से साउथ आएगा। तो अब ये पहुँच जाएगी यहाँ पर, फिर से उसने गेट करना है गेट, और उसके बाद रिपीट करना फिर से। अरे ये कहाँ पर पहुँच गया, गेट, और फिर से रिपीट 5 टाइम नहीं, अब उसने 4 टाइम करना है, क्योंकि हमने तो पहले उसको एक डायमंड दे दिया, तो फिर से नहीं। और अब
अब उसने 4 टाइम इसको क्लिक करना तो वो अब कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? ईस्ट में, और साथ में वो गेट डायमंड भी करेगी क्योंकि हमने तो पहले उसे एक डायमंड कर दिया, इसीलिए वो अभी इस चीज को 4 टाइम करेगी। अब हम इसे पूरा रन करके चेक करते हैं। ये हमने अपना लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, पजल नंबर 2। हमने लेसन 2 पहले कंप्लीट कर लिया, अब हम जाएंगे 5 लेसन में। और ये वीडियो आईडी आप उसे ओपन करके खुद देख लेना क्योंकि अब उन्होंने लूप के बारे में समझाना है, फिर से उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसे हम यहाँ से करके फिर पढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, हाउ कैन लेयर, इसका नाम नहीं पता चलता, गेट और फाइव पाइट, चाहिए पाइट हम इसे डायमंड कहेंगे, और ट्रेचर यूजिंग ओनली वन ईस्ट ब्लॉक, कि हमने इसमें से ईस्ट ब्लॉक को यूज करना है ताकि ये अपने सारे डायमंड से जो उसे क्लिक कर सके। तो हम रिपीट लेंगे, वैसे तो ये आपसे हो जाएगा, तो रिपीट करेंगे 5 टाइम इसे क्योंकि 1 2 3 4 5 है। इसमें क्या करना है, पहले उसमें साथ में ईस्ट में जाना है, ईस्ट 5 टाइम पहले ईस्ट में रहा है और साथ में इसने गेट ए पाइप्स करना है, साथ में इसने पाइप्स को भी क्लिक करना है, ईस्ट में फिर से पाइप्स, ईस्ट में फिर से पाइप्स। अब हम एक बार इसे रन करके चेक करते हैं। ये हमने अपना पजल नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। अब हम अपना पजल नंबर 7 करेंगे। और 7 कहाँ पर है, मैं इसके लिए आपको ये नहीं करके दे रही क्योंकि मुझे पता है कि ये आपसे हो जाएंगे, आपको ये सीखना आ गया और ये तो सबसे मुश्किल है। आपको पता है ये ब्लैक का क्या मतलब है कि इसे हम डिलीट नहीं कर सकते उसमें से, ये उन्होंने कोडिंग पहले से करके दिया। और अब हम इसमें क्या करनी है, डिबगिंग। पहले हम चेक करेंगे कि जो इन्होंने इतनी कोडिंग किया वो कहाँ तक पहुँचती है। डिबगिंग ये होता है कि हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हमने गलती, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन ए प्रोग्राम, की हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हमने ढूंढना है कि मिस्टेक है और उसको ठीक भी करना है, तब हमने ये काम इसमें करना यहाँ तक सही है। हाँ, ये जो साउथ का ब्लॉक है उसके बाद जो हमारी कोडिंग है वो रॉन्ग कोडिंग है। हाँ बच्ची, जहाँ पर 4 टाइम कर लिया फिर साउथ में, हाँ, और उसके बाद गेट कर दिया और अब इसने ईस्ट सेक्शन में नहीं जाना है। यहाँ से क्लिक कर लिया, हाँ यहाँ से क्लिक कर लिया, क्लिक, हाँ हाँ, इसमें इसे इसको क्लिक करना छोड़ दिया क्योंकि फिर उसने साउथ में जाना, फिर से क्लिक कर दिया और अब इसने फिर से साउथ में जाना है और फिर से क्लिक करना, लेकिन अब हमारी जो कोडिंग है कितनी लंबी हो जाएगी कि फिर से क्लिक करना, फिर से करना। इसी के लिए अब हम रिपीट लूप को यूज करेंगे। रिपीट ये भी कितनी टाइम्स करने से, 2 टाइम्स, क्योंकि ये तो उसने ले लिया ब्लॉक, तो पहले उसने इसे 2 टाइम करना, 2 टाइम नहीं 3 टाइम्स, हाँ, और बाद में इसने क्या करना है, पहले इसने जाना है साउथ में और साथ में इसने गेट डायमंड करना है। तो हाँ, हम ये भी कोड को साथ में लगा देते क्योंकि हमारे पास 2 नंबर तो है ही नहीं, इसी के लिए हम ये कोड लगा देते इसकी जगह में, ये कोड इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि हमारे पास 2 नंबर नहीं है इसी के लिए। और फिर से उसने ईस्ट में जाना और फिर उसने अपना लास्ट लाइक को ले लेना। अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। ये हमने अपना पजल नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। अब हम जाएंगे अपने पजल नंबर 10 में। अरे ये तो चैलेंज है, इसी के लिए हम करते हैं। आई एम रेडी टू स्किप फॉर नाउ, हम स्किप नहीं करेंगे पजल को। अच्छा,
तो इसमें क्या क्या चैलेंज था? ट्रेजर गोस ऑलवेज। तो उन्होंने कहा कि ये स्टेयर के जैसे कि जैसे सीढ़ियां नहीं होती, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, ये ऐसा। तो पहले हम ये पीट लेंगे। उसने कितने टाइम साउथ में जाना है? 1, 2, 3 ने 3 टाइम साउथ में जाना, 3 नंबर दे देंगे। और साथ में उसने गेट डायमंड भी करना है, कि साथ में उसको जो डायमंड है उसको क्लैप भी करते जाना है। यहाँ पर पहुँच गए, फिर उसने क्या रिपीट करना, उसने पहले ईस्ट में जाना और साथ में उसने गेट भी करना है। नंबर कितना आएगा उसने ये काम 2 टाइम्स करना है। अब हमने रिपीट 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 लूप ही यूज करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए, फिर उसने साउथ में जाना है। हाँ, और देखिए अब जो हमारी ये चीज़ है वो रिपीट नहीं हो रही, इसके लिए अब हम एक खाली रिपीट लूप लेंगे। जो अब मैं कर बता रही हूँ उसे कहते हैं नेस्टेड लूप। तो हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये जो काम है ये हमारा यहाँ पर फिर से रिपीट होगा, साउथ में, फिर से साउथ में, फिर से ईस्ट में। तो ये काम कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम्स। तब हम एक बार इसे रन करके चेक करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने अपना पजल नंबर 10 कंप्लीट कर दिया। कांग्रेचुलेशन। अब हम अपने पजल नंबर 3 में 13 में जाते हैं, वो भी अपने खुद ही कंप्लीट करने पीछे वाले हैं। अरे ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज निकला। यहाँ पर क्या बोलोगे? Get as much treasure as you can. तुम ये नहीं सुनेंगे। हाँ, तो इसमें अब क्या करना? इसमें पहले हम repeat loop लेंगे। Repeat loop लेंगे और उसने ये काम कितनी बार करना है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर हम नंबर दे देंगे 6। 6 कहाँ पर है? ये रहा 6। और उसने कौन सी डायरेक्शन में जाना है? वेस्ट में। और साथ में उसने क्या करना है? गेट डायमंड को कलेक्ट करना है। तब हम पहले इतना फिर से चेक करते हैं, क्योंकि ये इन्होंने 5 रन्स दिए। रन कर देते हैं। अब हमारी एक रो कंप्लीट होगी। तो इसका अब जो फेस था वो इसकी वेस्ट डायरेक्शन में था यहाँ पर। तो अब उसने क्या करना है? पहले उसने साउथ में जाना, फिर उसने गेट करना है, गेट डायमंड। तो अब हम फिर से रिपीट लेंगे। अब हमारा आएगा यहाँ पर 5 नंबर। अगर हम उसे यहाँ से करा देंगे कि यहाँ पर नहीं, तो वो हमारा सही कोड नहीं होगा। तो अब उसने कौन सी डायरेक्शन में जाना? ईस्ट में। ईस्ट में चले गए। फिर उसने क्या करना? गेट डायमंड। और ये वाली पूरी रो भी उसने खाली, मतलब कि सारे डायमंड्स ले ली। अब हम फिर से रन करके चेक करते हैं। हमने अपनी रो को भी कंप्लीट कर दी। अब उसका फेस कहाँ पर था? ईस्ट एक्शन में। ईस्ट एक्शन में था, वो भी ये वाली सेकंड रो में। और अब उसने साउथ में जाना फिर से, और फिर से उसने गेट डायमंड करना। अब हम फिर से रिपीट लेंगे। रिपीट अब उसने कितनी टाइम करना, क्योंकि उसने 5 तो कलेक्ट कर लिया, टोटल हमारे 6 हैं डायमंड, और 6 आएगा और 5 आएगा यहाँ पर नंबर। और ये काम को अब इसने कितनी बार करना है? उसने कौन सी डायरेक्शन में जाना है? अब उसने वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, और साथ में उसने गेट डायमंड को भी कलेक्ट करना है। अब हम फिर से इसे रन करके चेक करते हैं। हाँ, हमारा यहाँ तक सही था। तो अब उसने क्या करना है? अब उसने फिर से साउथ में जाना, फिर से गेट कलेक्ट करना, और अब उसने रिपीट करना है। रिपीट करना उसने। अब उसने कितनी टाइम जाना, क्योंकि हमने एक डायमंड उससे कलेक्ट कर लिया, तो अब ये 5 टाइम इसने करना है। उसने ईस्ट में डायरेक्शन में जाना है, और साथ में उसने गेट डायमंड को भी कलेक्ट करना है। अब मुझे लगता है कि ये भी सही होगा, इसी के लिए हम इसे फिर भी रन करके चेक करते हैं। तक
कंप्लीट कर लिया। अब उसने क्या करना, फिर से सब में जाना, फिर से उसने गेट डायमंड कलेक्ट करना है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पहुँच के इसे कलेक्ट कर लिया। अब उसने फिर से रिपीट करना है, रिपीट अब कितने टाइम करना, अब उसने 5 टाइम करना है रिपीट। क्या करना, उसने पहले फर्स्ट डायरेक्शन में जाना, साथ में इसको कलेक्ट भी करते जाना है। मुझे लगता है कि हमारी सारी कोडिंग सही होगी। तब हम एक बार इसे फिर से फाइनल रन करके चेक करते हैं, ये हमारा फाइनल टेस्ट होगा। ये हमने अपना लेसन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। और अगर जो मैंने पजल छोड़ी, अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको पता है कि हमेशा क्या करना होता है, आपने कमेंट बॉक्स में इसे लिखकर बता देना, सेंड कर देना, मैंने आपको उसका आंसर बता देना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।